Assalamualaikum everyone, welcome back to हमारे vlogs. कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे. तो जी, आज आपसे शेयर करने वाले हैं रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट टू. और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी देखने को मिलेंगी, साथ साथ बहुत सारी यूज़फुल टिप्स जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें मेक एंड फ्रीज कर सकते हैं. अच्छा जी, ये सबसे पहले तैयारी चल रही थी शामी कबाब बनाने की. तो अपिया बीफ कट कर रही थी, जो अपिया लेकर आई थी स्पार से, और स्पार से ले लिया था. अच्छा, रेशे वाला गोश्त लिया है, इसमें बहुत अच्छे शामी कबाब बन के तैयार होते हैं. तो कोशिश कीजिएगा कि रेशे वाला गोश्त हो. वैसे आप लोग चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास मीट अवेलेबल हो. तो बस यहाँ पर शामी कबाब के लिए गोश्त मैंने कट कर लिया था और उसके अंदर चली जाएगी प्याज, तकरीबन 3 डली प्याज है. लहसुन की 2 पोतियाँ थी जो कि पूरी छील ली थी अम्मी ने. काली मिर्च ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा हैगा, लौंगे हैंगी 20 से 25 अदद, काली इलायची है, नमक है हसबे ज़ायका, इसके अलावा आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा हैंगी मिर्चें, ये लाल वाली मिर्चें हैं साबुत, बटन चिलीज जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा. हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं तो इस वजह से आपको मिर्चें हमारी है ना, ज़रा स्पाइस लेवल ज़्यादा खुले हाथ से डलता है. और बस इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे. जब ये गल जाएगा गोश्त, तो फिर अम्मी ने इसमें क्या किया था, 300 ग्राम्स के बराबर दाल को भिगो दिया था, चने की दाल को, वो ऐड करके इसको गला लिया था. और गोश्त जो था हमारे पास वो था तकरीबन 800 ग्राम्स के बराबर. अच्छा, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे रोल बनाने की. तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरत होती है बहुत सारी वेजिटेबल्स को कट करने की. तो इधर हम लोग वेजिटेबल्स ही कट कर रहे हैं और दोनों साथ बैठ गए थे कट करने के लिए क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ियाँ कट करनी थी. और इससे बड़ी आसानी हो गई, स्लाइसर जो है ना, शुक्र हम ये ना वक्त पे लेकर आ गए थे, इससे बहुत हमारी आसानी हो गई. और मतलब सबसे ज़्यादा ये होती है स्लाइसिंग करने में टाइम लगता है. और कुछ सब्ज़ियाँ आप ये काट रही थी, कुछ मैंने बोला जल्दी से मैं इस पर कट कर लेती हूँ. और आगे मैंने ना इस पर वो भी कट किया था, मतलब गाजर वगैरह भी कट की थी, तो आसानी से हो गई थी. अच्छा, लास्ट तक बिल्कुल मैंने कट नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर इतने शार्प इसके ब्लेड्स हैं. मैंने अपिया को वो छोटा सा जब लास्ट का पार्ट बच रहा था ना, वो मैं अपिया को दे रही थी कि अपिया आप इसको कट कर लेना, बाकी मैं इसको ना स्लाइसेस करके देती रहती हूँ. और इसी तरह ना दोनों मिलके जब काम कर रहे होते हैं ना, फटाफट हो भी जाते हैं और हम अपनी बातें भी करते रहते हैं. ऐसे ही होता है यार, सब इसी तरह से करते हैं. और जब हम तीनों भी काम कर रहे होते हैं मिलके, मतलब अम्मी, मैं और ज़ोया, तब हम लोग बस बातें भी करते रहते हैं, हमारे काम भी चलते रहते हैं. लेकिन बातों में ऐसा नहीं होता कि हमारे हाथ रुके रहते हैं. कुछ लोग हैं बातें करते हैं या तो फिर काम करते हैं, हमारे दोनों काम चलते रहते हैं. तो बस इस तरह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी से सब्ज़ियाँ कट कर ली थी. स्प्रिंग रोल बना रही थी और चिकन मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था. तो वेजिटेबल्स तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो. कुछ लोगों को वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स कम ऐड करते हैं, चिकन ज़्यादा ऐड करते हैं. अच्छा, मुझे ज़रा चिकन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, नहीं तो फिर मैं कहती हूँ डायरेक्ट चिकन के ही रोल बना लो, स्प्रिंग रोल का नाम ना दो अगर इतनी ज़्यादा चिकन ऐड करनी है. तो बस ये जो वेजिटेबल्स है हमारे पास, उसके अंदर मैंने ऐड करी थी 1 पाव श्रेडेड चिकन ऐड की थी. एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, तकरीबन 1 पाव होगा या तो 300 ग्राम के बराबर का होगा, क्योंकि मैं खट्टा चिकन लेती हूँ तो हर बार मेजर नहीं कर रही होती हूँ उसको. तो मतलब बड़े साइज़ का ब्रेस्ट पीस था और वो मैंने बॉईल करके रख लिया था और उसको फिर मैंने श्रेड भी कर लिया था अच्छे से. और लेकिन ना स्प्रिंग रोल में जब आप इसको ऐड करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, चिकन को थोड़ा बड़ा बड़ा रेशा होना चाहिए, तो वो खाने में अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा मतलब लगता है. जिस हिसाब से आपकी वेजिटेबल्स कट होनी चाहिए ना, मतलब जूलियन कट की हुई है तो उसी हिसाब से आपको चिकन भी कट करना चाहिए, ताकि उसी तरह वो रेशा बनेगा ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है और स्प्रिंग रोल्स में अच्छे लगते हैं. और आप देख सकते हैं मेरी कटिंग स्किल्स इसमें, मैंने इस पार्ट में मैंने ना वीडियो बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करी, मैंने बोला चले दिखा दूं, मैं भी आज दिखाई दूं. अच्छा, कमेंट आया था कि इतनी बारीक चॉपिंग कैसे कर लेते हैं, कौन सी मशीन में? भाई हमें हाथ से भी करनी आती है, जब काम की जब टाइम की बहुत कमी होती है ना, तब हम मशीनों का सहारा लेते हैं, वरना खुद से भी ये वाली कटिंग चॉपिंग करनी आती है, हम दोनों को आती है, लगा शुक्र है. मतलब टाइम की कमी हो या फिर बहुत ज़्यादा काम करना हो, तब आप मशीन वगैरह का सहारा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जब आपको ये सारे काम करने हो. अच्छा, यहाँ पर ये 2 ब्रेस्ट पीस है, मैंने एक लिया था इसमें से और एक मैंने रख दिया था पेरीबाइट्स के लिए, क्योंकि उसको पेरीबाइट्स में मुझे यूज़ करना था चिकन को. तो बस इसको अब मैं श्रेड कर लूँगी, और मैंने इसको ज़रा बड़ा बड़ा ही श्रेड किया था ताकि वो दिखने में अच्छा लगता है. तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं.
आगे हम आपको दिखाएंगी इसकी कंप्लीट रेसिपी। और स्प्रिंग रोल तो खैर बचपन से ही मैं बना रही हूँ, और दो चीज़ें हमेशा बनती थी हमारे घर में, एक कीमे के समोसे और स्प्रिंग रोल। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनते थे क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है छोटी थी, तो इतनी ज़्यादा कोई क्वांटिटी में नहीं बनाती थी, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाती थी, लेकिन बनाती ज़रूर थी कि भाई रमज़ान आ रहे हैं तो प्रिपरेशन करनी है, तो अम्मी का थोड़ा सा हाथ बटाना है। मतलब बहुत छोटे छोटे से थे तब भी करते थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। स्प्रिंग रोल में ऑयल वैसे कम ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं। मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर लिया होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि इसका जायका अच्छा होता है, और मतलब इससे इसका जायका बढ़ जाता है, तो आपने अच्छा से ऐड करना है और उसको फ्राई करना है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। नमक मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि चिकन क्यूब वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो आप कह लें 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं ऐड किया क्योंकि बाद में भी आप इसको टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक ना। अब क्या करूँगी, मैंने पहले इसको ज़रा सा डिसॉल्व कर लिया था क्योंकि इसको मुझे हाई फ्लेम पे फ्राई करना था सारी वेजिटेबल्स को। और हाँ, एक और टिप ना, अक्सर मुझसे भी ना जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो गलती हो जाती है, इस बार नहीं हुई, वो ये है कि जब भी आप वेजिटेबल्स वगैरह कट करें ना, तो पहले से वेजिटेबल्स को धो लें, उसके बाद आपने कट करना है। अगर आप बाद में इसको धोएंगे ना, तो ये पानी पानी हो जाएगी। जो इस तरह से हुआ था, तो आपने क्या करना है, पहले से सारी वेजिटेबल्स को धो लीजिएगा, उसके बाद आपने कट करना है, चॉप करना है, और फिर डायरेक्टली आपने इसको पैन में ऐड कर देना है। मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ले ली थी, और इधर हमें वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है, हल्का सा स्टर फ्राई ही करना है। तो आपने बस इसको हल्का सा घुमा फिरा के फ्राई कर लेना है, ज़्यादा इसको भुजाना नहीं है सब्ज़ी को, क्योंकि वो भुजिया बन जाएगी। हाँ, वो फिर भुजिया नहीं बनानी हमने, स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं। तो बस अपने हल्की सी हीट लगेगी सब्ज़ियों को, जैसे हल्का सा यूं ही सा कलर चेंज होगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था। सोया सॉस ऐड कर देंगे, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा सोया सॉस, लाइट सोया सॉस है, डार्क नहीं ऐड कीजिएगा, उसका कलर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है हॉट सॉस, पेरी पेरी सॉस। हाँ, पेरी पेरी ऐड किया है, आजकल मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो 2-3 ब्रांड्स का रखा हुआ है घर में, मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ हर चीज़ के अंदर। अच्छा, ये ऐड कर दिया, आप कोई सा भी हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं, चाइनीज़ वाला मत कीजिएगा, उससे मीठा हो जाता है, वैसे आपकी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जब मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, उसके बाद लास्ट में आपने चिकन ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही चिकन ऐड कर देंगे तो फिर चिकन पे कलर चढ़ जाता है, सोया गाजर का, सोया सॉस का, ब्लैक पेपर का, तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है। तो बाज़ार वाले जो ना यही सारी टिप्स को इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी हर एक चीज़ वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है। अब जैसे रोल खाएंगे ना, तो उस वक्त ना क्या होगा, चिकन का श्रेड अलग दिख रहा होगा, वेजिटेबल्स के कलर अलग दिख रहे होंगे, तो ना बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है, और खाने वाले तो जायका तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा खाने वाले जब देखते हैं ना, तो उन्हें वो भी खुश हो जाते हैं। हाँ, मतलब आप नज़रों से भी तो खाते हैं ना खाने को, तो क्या कहते हैं, उसके लिए ना आपको अच्छे से बनाना भी आना चाहिए ना, और थोड़ी थोड़ी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आप लोगों से भी ऐसे ही बनेगा। मेरी पूरी कोशिश होती है जितने टिप्स मैं बता सकती हूँ मैं बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने ये किया था, थोड़ी सी स्पैगेटीज को बॉईल कर लिया था, क्योंकि हमें स्पैगेटीज अच्छी लगती हैं स्प्रिंग रोल्स के साथ ना, स्प्रिंग रोल्स के अंदर, तो हम वो भी ऐड करते जा रहे हैं, और इसको हम बस रोल कर देंगे। और मैंने स्क्वायर वाली शीट ली थी, उससे हम इस तरह से रोल बनाते हैं। किसी ने कहा था हमें सिखा दें कि स्क्वायर वाली शीट से रोल कैसे बनते हैं, उनको सिर्फ वो कौन वाली जो होती है ना, उसी से आते हैं ना बनाने, तो भाई देख लें इसी तरह से बनते हैं। स्प्रिंग रोल इस तरह से भी बनते हैं, मतलब ये अभी हम तिकोन शेप में रख रहे हैं, और चाहें तो चकोर शेप में भी रख के बना सकते हैं। सबका मेथड सेम ही होता है, सेंटर में रखना है उसको, आपने साइड से सील करना है, थोड़ा थोड़ा सा सील कर देना है और उसको रोल कर देना है, सबका मेथड सेम ही होता है। स्लरी लगा के ही वो करेगा, ताकि मैदा और पानी का मिक्सचर है, इसको स्लरी कहते हैं, तो बस ये आपने लगा देना है, बहुत पतला नहीं लगाइएगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक लगाइएगा। ये लगाने के बाद आपने ट्रे में सेट करते रहना है, जब ये ट्रे में सेट हो जाएंगे अच्छे से, तो फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि फ्रीज़र में भी जम जाएं, फिर उसके बाद हम इसको सेव करने के लिए रखेंगे। तो बस इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप कह लें ये सारी प्रिपरेशन हमने की है, कितने दिन में की है, हमने 2 दिन में की है सारी प्रिपरेशन हमने 2 दिन में की है माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, बस कर ली, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, खाली कुकिंग ही नहीं है ज़िंदगी में, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। अच्छा है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है ये वाली चीज़ें करने में भी। और ये सारे रोल तैयार हो गए थे, और इसके बाद इसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं, और उसके बाद इसको हम मतलब दूसरी चीज़ में जैसे शिफ्ट करना है वो फिर
बाद में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे शामी कबाब का कीमा रेडी हो चुका था, दाल डाल के उसे गला लिया था, देन उसके बाद उसको पीस लिया था और सिल पे पीसा था उसको, क्योंकि हम लोगों ने कहा था अम्मी ये हम क्या कहते हैं आपको पीस के दे देंगे मशीन के अंदर ना, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हम सो गए थे, सुबह उठे तो ये पिसा हुआ था, अम्मी ने सिल पे पीस लिया था और अम्मी ने इधर हरा मसाला वगैरह सारा हाथ से कट किया। वैसे मैं अम्मी को मना करती हूँ हाथ से नहीं कट किया करें, आप चॉपर वगैरह ले लिया करें उसमें कट कर लिया करें, जल्दी से हो जाता है, लेकिन बस वो अम्मी तो अम्मी होती है ना, तो बस उन्होंने अपने हाथ से कट कर लिया। उन्हें अपने हाथ में सेटिस्फेक्शन मिलती है पूरी पूरी, वो बोलती है कि हाँ बस रहने दो मुझे, मुझे मेरा यार काम करना, टाइम लगता है तो मैं इसलिए अम्मी को मना करती हूँ। और दूसरा ये आप बैठे बैठे थक भी जाते हैं, जब घर में चीज़ें हैं तो इस्तेमाल करो, बस अम्मी हैं नहीं करती हैं। खैर इधर ना ये सारी चीज़ें जो हैं अम्मी इसको मिक्स कर रही हैं अच्छी तरीके से। वैसे सिल पे ये होता है जितना साबुत गर्म मसाला होता है ना वो सिल पे ही अच्छे तरीके से पिसता है, और रेशा वाले जो कबाब होते हैं ना वो सिल पे ही अच्छे बनते हैं, वो चॉपर वगैरह में अच्छे नहीं बनते हैं, ये तो सच्ची बात है, हमें ख़ुद भी पता है ये। अच्छा इसमें मैं बता देती हूँ, पीने तो बता रहा भूल गई, मैं बता देती हूँ ऊपर जो हरा मसाला था, हरा धनिया पुदीना, नहीं पुदीना नहीं, हरा धनिया ऐड किया था, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च और अदरक को बारीक बारीक काट लिया था। हम प्याज ऐड नहीं करते, हाँ हम प्याज ऐड नहीं करते क्योंकि इसको कबाब जब भी बनते हैं मेहनत से बनते हैं तो इसको सेव करके रखते हैं, तो इस वजह से नहीं। अगर फौरन फौरन सर्व करने तब तो आप इसके अंदर प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अम्मी ने अंदर ही एक अदद अंडा ऐड कर दिया था, मतलब मिक्स करते हुए, और हम ऊपर अंडा लगा के फ्राई नहीं करते शामी कबाब को, हम लोग इसी तरह से सादा ही इसको फ्राई करते हैं। हाँ तो ये अम्मी ने सारे बना के रख दिए थे, और बनाने के बाद फिर मैंने रख दी थी ट्रे, नहीं रखी नहीं थी, फिर वो आपको दिखाएंगे आगे दिखाएंगे किस तरह से उसको सेट किया। और अच्छा, यहाँ पर बन रहा है मसाला, ये अम्मी बना रही हैं, हमने अम्मी से कहा था अम्मी दही बड़ों का मसाला आप बना लीजिएगा, और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी जो है मौजूद है, मैं लिंक ऐड करवा दूंगी इस वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको हमने पूरा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हम दो तीन बार ये बना चुके हैं अपने चैनल पे, इस चैनल पे भी बता चुके हैं, दूसरे चैनल पे भी है, मेन चैनल पे भी है, तो मैं बेसिकली इसका लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है दही बड़ों का चाट मसाला, मतलब दही बड़ों वाला मसाला है, और मतलब ये मल्टीपर्पज मसाला है, इसको हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, चने चाट में और जितनी भी चाट्स वगैरह बनेंगी ना सब चीज़ों में इस्तेमाल होगा। ये सब में इस्तेमाल होता है, इवन ना अगर आपको मज़ेदार समोसे बनाने हैं ना उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, आलू के समोसे, हाँ आलू के समोसे वगैरह में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका जायका बन के निकल कर आता है, तैयार होता है और ये बहुत अच्छा बनता है। अगर घर की चीज़ तो घर की होती है ना, बात ये है। तो खैर ये बन गया था और इसको अम्मी ने नए वाली कंटेनर में, मतलब उनकी नई वाली बढ़नी में ऐड कर दिया था और इसको हमने रख दिया था। अब ये इंशाल्लाह पूरे रमज़ान क्या काफ़ी टाइम तक चलेगा, बहुत सारा मसाला बन जाता है और ये आराम से चलता रहता है दो तीन महीने। अच्छा जी, हमने ये राजमा बॉईल करके रख लिया था, रेड किडनी बीन्स जिसे कहते हैं, और बस क्या किया था एक रात पहले, मतलब इसको भिगो दिया था, थोड़ा सा सोडा डाल के 1/4 teaspoon सोडा डालते हैं, आधा किलो हैं ये, और जब दूसरे दिन उसको वॉश करके इसमें नमक ऐड करके देन इसको बॉईल कर लिया था। नमक अपने हस्बैंड जायका ऐड कर सकते हैं, और फिर बस इसको बॉईल करके अब हम क्या करेंगे, इसके पैकेट्स बना लेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जितना हम एक इफ्तार में यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं 1 cup के बराबर, ठीक है। और हम हर हफ्ते, मतलब एक हफ्ते हमारे यहाँ चल जाते हैं, ये आधा किलो चने हो या राजमा हो जो भी हो, 5 दिन 6 दिन आराम से हो चल जाता है। हाँ। तो हम हर हफ्ते ही इसको ना दोबारा से बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो राजमा हो, चने हो, काले चने हो, छोटे चने हो, बड़े चने हो या किडनी बीन्स हो, ये मैं बता दूँ ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी बॉईल करके नहीं रखा करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बादी हो जाते हैं, मतलब बासी हो जाते हैं और फिर पेट के लिए सही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो कोशिश किया करें जो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो ज़रा बासी हो के बिल्कुल भी प्रॉब्लम कर सकती हैं आपके लिए, या आपको टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, वो उस तरह का टेस्ट नहीं रहता। तो देखिए ये वाले हमारे पास शॉपर हैं, दूध वाले शॉपर कह सकते हैं, यार ये इम्तियाज़ से मिल जाते हैं ये वाले शॉपर, हम वहीं से पूरा पैकेट खरीद। इसके अलावा जो घर के करीब जो स्टोर्स होते हैं ना वहाँ पे भी आप शॉपर वाली लाइन में देखेंगे ना, वहाँ पे जहाँ पे लाइनिंग्स वगैरह रखी हुई होती हैं, सॉरी बात कंप्लीट कर लूँ, जहाँ पे क्या कहते हैं जिप लॉक बैग वगैरह रखे हुए होते हैं वहीं पे होते हैं। और ये साइज़ कौन सा होता है मैं बता दूँ, कभी फिर आप लोग बोलेंगे कौन सा वाला साइज़ है, ये होता है इस पर लिखा होता है 1/2 kg गोश्त लिखा हुआ होता है, हाँ ठीक है,
तो इसमें आराम से ये वाला एक कप आ जाएगा, तो ये हमारा आराम से एक हफ्ते का स्टॉक बन जाएगा। और ये हम चाट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग सैलेड्स वगैरह या फिर कभी फ्रूट सैलेड हो गई, वेजिटेबल सैलेड हो गई, इन सब चीज़ों मतलब में किसी भी ऐड करने के लिए, ऑल पर्पज़ के लिए ही ये यूज़ किया जाता है हमारे घर में। और चाट वगैरह जो बनानी होती है या चना चाट बनानी है तो उसके लिए फ्रेश ही बॉयल होते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं खाएगा, हमें पता है वो फिर नाक मार देंगे। हाँ तो बस इतना ही हम स्टॉक करते हैं ये वाली चीज़ें कि जितनी वो चल जाए, मतलब क्योंकि ये डेली तो नहीं हम एक कप बॉईल कर सकते, अगर हमें डेली एक कप चाहिए तो हाँ, इस वजह से बॉईल करते हैं, वो पहले से बॉईल करके रखते हैं। अब जब चाट वगैरह बन रही होती है तो उसमें तो ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, मतलब मिनिमम। अच्छा, हम ना इसको ड्राई ही रखते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी शानी बिल्कुल नहीं। और ये मैं बताऊँ आपको, ये पूरे ना डन है लेकिन ये स्टेबल है। हाँ ये देखें, वो तो आपको देख के ज़्यादा रहा होगा, कुछ कुछ गले हुए हैं, अच्छे से गले हुए हैं लेकिन ये स्टेबल है। इसी तरह से हम चने भी बॉईल करते हैं। अच्छा, मैं वेस्ट नहीं करूँगी, खा लूँगी। तो खैर बस अब इसको पैक करते हैं, इसको इसी में गिट्ठा लगा देंगे, इसमें रबर बैंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो जब हम इसको डीफ्रॉस्ट करते हैं ना, मतलब एक पैकेट हमने निकाला और जब हमें इस्तेमाल करना है इसको, या तो मैं कभी अगर बहुत जल्दी में होती हूँ तो इसको नीम गर्म पानी में पूरा ना पैकेट डाल देती हूँ, मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं, नीम गर्म पानी में डाल देते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, 3 बजे का टाइम है, जैसे 4 बजे आपने क्या किया, पैकेट निकाल के ऐसे काउंटर पर रख दिया या तो प्याले में करके रख दिया, तो फिर आसानी से वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है और आपको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना है तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थोड़े थोड़े बन गए हैं, नहीं नहीं है पूरा पका पे इसका। अच्छा ठीक है, उसमें ऐड कर दो। आपको बता देता हूँ ये कितने, 2-3-6 पैकेट बन गए, हमेशा हमारे 6 ही बनते हैं, 6 ही पैकेट बनते हैं, एक वीक के लिए बन जाते हैं। अब जब चाहिए होगा, मतलब चाट वगैरह के लिए चाहिए, तो वो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, मतलब मिनिमम एक पाव के बराबर। तो फिर हमें अगर चाट बनानी होती है ना, ज़्यादा बनानी होती है, तो हम अलग से बॉयल हो जाते हैं। अभी एक कप चाहिए या थोड़ा सा चाहिए तो उसके लिए तो आपको पहले से बॉयल करके रखना पड़ता है, जैसे कि समोसे वगैरह हैं, और अगर रोज़ हमारे घर में 1-2 दर्जन बनने वाले हो समोसे तो हम डेली बनाएंगे। हाँ फिर डेली बनाएंगे। अब हमें 5 समोसे चाहिए डेली के, तो उसके लिए पहले से बना के रखें। हाँ उसके लिए हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, बस इतने पागल नहीं हैं, हमें इतने भी नहीं हैं। खैर देखें, बस इसको इस तरह से गिट्ठा लगाएंगे और उसको एक शॉपर में डालेंगे। हाँ अच्छा, ये मैं बताई थी गिट्ठा लगा के भी हम रखते हैं, रबर बैंड नहीं लगाएंगे, ये जब निकल जाएगा ना तो ये थैली जाहिर सी बात है। मम्मी क्या करती हैं बोलो, समटाइम मम्मी ने ये थैली को खंगाल के हमें दे देती है, कहती है इसी को रीयूज कर लो, और समटाइम हम इसको फेंक देते हैं, वैसे फेंक देते हैं मोस्टली, क्योंकि इसके पैकेट्स हमारे पास रखे होते हैं। शॉपर का पैकेट है, कल भी यूज़ हुआ है, पराठों के लिए भी ना मैंने यही यूज़ किया था, इसी शॉपर को मैंने कट किया था। ये देखें साइज़ देख लें आप, कुछ ये साइज है, और इसी को मैंने कट इसका किया जो ये बैक साइड है ना जहाँ पे ये सील हुआ है, इसको कट करके यहाँ से इसको खोल दिया था, और यही मैंने पराठों में यूज़ किया। आइडियल साइज़ है क्योंकि नॉर्मल दिनों में भी हमारे घर में यूज़ होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कोई स्पेशल मसाला टाइप का बनाऊँगा कोई भी चीज़ ना, और मुझे थोड़ा सा बच गया है, 1 टेबलस्पून बच गया, तो मैं चॉपर में करके रख देती हूँ। या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे बहुत जल्दी होती है, मुझे कुछ कूटना है तो मैं चॉपर में करके कूट लेती हूँ, मतलब काली मिर्च या नट्स वगैरह। तो ये मल्टीपर्पज़ हमारा ना काम आता है, ये तो पूरे साल हमारे पास रहते ही हैं ये पूरे साल। अच्छा जी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हम लोगों ने समोसा शीट कौन से ब्रांड की यूज़ की है, तो समोसा शीट आप देख लें ये वाले ब्रांड की यूज़ की है। इसके अलावा ये ना डबल अभी आपको यूँ दिख रहा होगा क्योंकि इसको ऐसे करके रखा था, ऐसे रोल पट्टी लिखा हुआ इस पर, ठीक है। और इस ब्रांड की यूज़ की है, इसमें होती हैं 25 शीट्स, और पता नहीं कितनी वेट होता है, 400 ग्राम्स के बराबर, और आई थिंक 450 ग्राम्स के बराबर का इसका नहीं, होता है। कितने की थी वो मैं बता रही हूँ, उसी पे आ रही थी मैं। ये कुछ 110 रुपये की या फिर 105 रुपये की मिलती है समोसा पट्टी, और ये रोल पट्टी का जो पैकेट है इतने का ही मिलता है। समोसे के अंदर लिखा होता है कि 50 शीट्स हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 35 ही निकलती है, मतलब नहीं होती 50 हैं लेकिन पता है क्या होता है, कहीं कहीं से डैमेज हो रही होती है तो फिर वो हम उसको तोड़ के और दूसरी में यूज़ कर लेते हैं। नहीं फिर भी 50 नहीं थी, पूरी कम ही थी। हाँ खैर क्या कहते हैं, ये वाली यूज़ की है। और यार समोसा शीट का आप लोग ब्रांड तो पूछ रहे थे मुझसे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा मैं ये बता दूँ, समोसा शीट अभी के दिनों में ना पूरे रमज़ान आपको
हर जगह से मिल जाएगा। मतलब आप अपने घर के पास जो करीबी कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे समोसे वगैरह बनते हैं ना, जैसे घरों के पास मिठाई वाली शॉप होती है, निम्को शॉप होती हाँ। है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए भी ना आपको थोड़ा सा इलाके से बाहर भी जाना पड़ता है। हम भी देखें कितनी दूर दूर घूम के आते हैं। ये मुझे नज़र आ गई थी तो मैंने ले ली हाँ। थी, नहीं तो मैं किसी मिठाई वाले की शॉप से ही इसको हाँ। मंगवाती। और ये इजीली मिल जाती है मार्केट से, कोई ब्रांड वैंड की उसकी ज़रूरत नहीं होती आपको, बस अच्छी क्वालिटी की हो। ये देख लीजिए, थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए, ये देख लें, बहुत पतली ना हो, क्योंकि बहुत पतली होती है उसमें से वो फट जाती है, सब कुछ निकल जाता है, वो फट जाती है, तो वो प्रॉब्लम करती है। बस स्टेबल होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। हम लोगों ने ये यूज़ की थी, ये हमने आज आपके साथ शेयर कर दी है। वैसे ये इम्तियाज़ से मिली थी मुझे, और नाज़ा वाली ब्रांच से मिली थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस का बड़ा इशू है कि गुलशन वाली ब्रांच पर कुछ चीज़ मिलेगी आपको, मतलब आप उधर चले जाएँ महमूदाबाद वाली ब्रांच पे, उधर आपको कुछ और मिलेगा, डिफेंस वाली ब्रांच पे कुछ और मिलेगा। इस तरह से मतलब एरिया वाइज चीज़ें रखी हुई होती हैं, क्योंकि उस एरिया के करीब कौन सा एरिया है, तो उस हिसाब से उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं, उसी प्राइस रेंज में चीज़ें हाँ। रखी होती हैं। इतना बोल दिया मैंने, बताओ ज़रा। चलो अब इसको रखते हैं, अब आते हैं फिर दूसरी चीज़ों पर। अच्छा जी, रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं, मतलब रेडी से मुराद ये है कि ये सेट हो गए हैं, और ये और सेट होने के बाद हो गए हैं ऐसे करके, बिल्कुल सेट हो गए हैं। और इनको ऐसे ही करेगा कि बिल्कुल इसको बिल्कुल सेट कर लेगा, मतलब फ्रीज कर देगा, हड्डा हो जाए बिल्कुल, इतने फ्रोज हो जाए, हार्ड हो जाए, हार्ड हो जाए, हड्डा हो जाए, हम सुने वो। फिर ये होता है कि आपस में ना चिपकते नहीं, और फिर हम इसको आराम से ज़िपलॉक बैग में ऐड कर सकते हैं। और फिर ज़िपलॉक बैग ये होता है कि ट्रे रखनी नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम इसको रख देते हैं, उसकी जो जाली होती है उस पर रख देते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है, एक के ऊपर एक करके भी रोल और जगह गिरती नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे रख दूँ ना ताकि ज़्यादा। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसी में दिखा देती हूँ। मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं हमने रख दिए फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर, और फिर वो चिपक गए। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ हैगी ना, जब ये मेल्ट होगी ना बर्फ़, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, एक ही रीज़न होता है इस तरह से चिपकने का। अच्छा रोल में ना आपको थोड़ा फ़र्क महसूस होगा, कुछ रोल बड़े हैं कुछ रोल छोटे हैं, क्योंकि हम दो लोग बना रहे थे भाई, हाथों का फ़र्क है। और जाहिर सी बात है, दो हाथ होते हैं तो दो तरह के कमाल हाथ होते हैं। ये अच्छा बोला मैंने, पंच लाइन है तो। हाँ कभी कभार ना जब ज़्यादा थकन हो जाती है ना, तो सारे पंच निकल रहे होते हैं। क्योंकि तो आजकल हमें हुई भी है, हमें हुई भी है सही वाली तो थकन, सही वाली हुई भी है। चलो मैं लूज करके दे रही हूँ, आप रखो, चलो इसे पूरा सेट करके ना फिर मैं दिखाती हूँ, फिर हम दिखाते हैं। अब ये रोल हैं, इनको भी हमने पैक कर दिया है, तो हमारे पास बड़ा वाला ज़िपलॉक बैग जो है वो ख़त्म हो गया था, बड़े वाले में इस तरह से आ गए, फिर एक चकोर वाला था उसमें रख दिया, फिर ये वाला था, क्योंकि सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, और बस ये लास्ट था जो हमें पैक करना था। अब इसी तरह से ऊपर फ्रीज़र के अंदर चले जाएँगे। अच्छा जी, रमज़ान प्रिपरेशन में मैंने ना ये फिलिंग्स ऐड करी हैं इस बार, और आज से आई थिंक दो साल पहले भी मैंने बनाई थी इस तरह की फिलिंग, इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। और ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यार ये फिलिंग्स बनी हुई रखी होती है ना, और ये मैंने एक एक किलो के पैकेट्स में बनाए थे, मतलब एक किलो चिकन से एक फिलिंग बनाई है, एक किलो चिकन से एक मतलब दूसरी फिलिंग बनाई है। फ्लेवर कह रही हैं, एक किलो वाली जो बनाई है। हाँ, मैंने दो तरह की बनाई, टिक्का फ्लेवर बनाया है और एक बनाया है ग्रीन बोटी, मलाई बोटी, ग्रीन मलाई बोटी, सही है। और ये इसलिए बनाई है कि यार समटाइम आपको अगर कोई सालन बनाना है सहरी के टाइम पे ना, तो आप ये एक पैकेट निकाल के, एक एक पाव के मैंने ना पाउचेस बना दिए छोटे छोटे से, और ये एक पाव चिकन हैगा, तो आप इसमें से निकाल के थोड़ा सा ग्रेवी वगैरह बना के, टमाटर वगैरह की ग्रेवी बनाएं और ये ऐड कर दें, तो आप सहरी में भी इसको खा सकते हैं। इसके अलावा आप इससे सैंडविचेस बना सकते हैं, इससे आप रोल पराठा बना के खा सकते हैं, इससे आप क्या कहते हैं खाओ से बना के खा सकते हाँ, हैं खाओ से बना के और मैं बताऊँ मैक्रोनीज में डाल सकते हैं, मैक्रोनी में डाल सकते हैं, स्पेगेटीज में डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप ना बिरयानी बना सकते हैं। बिल्कुल मतलब पूरा रेडी हुआ हुआ है, खाली आपको गर्म करना है, तय लगानी है, बिरयानी तैयार इफ्तार हाँ, के लिए। इफ्तार के लिए अगर आपको थोड़ी सी बिरयानी बनानी है तो, मतलब इफ्तार पे तो वैसे ही बहुत कम खाया जाता है। खैर, और इसके अलावा हम इसके साथ वो बना सकते हैं, मतलब कोई भी चिकन ब्रेड बनानी है आपको, चिकन बंस बनाने हैं वो बना सकते हैं, फिलिंग के लिए पिज़्ज़ा बना सकते हैं, तो मतलब आपके पास ये फिलिंग रेडी है, आपका काम आधा हो जाता है। सही है,
तो और इसके ना समोसे और रोल भी बना सकते बिल्कुल हैं, बना बहुत आसानी से, और इतने मजे के बनते हैं ना टिक्का फिलिंग के रोल्स और समोसे के। पिछले साल हमने टिक्का फिलिंग वाले मलाई टिक्का मलाई बूटी रोल बनाए थे, बहुत अच्छे। मेरी वैसे हर साल की कोशिश होती है मेन्यू थोड़ा सा चेंज करूँ, रोल समोसे तो हर बार ही ऐड होते हैं, कीमे वाले समोसे और रोल, लेकिन कभी कभार मैं फ्लेवर थोड़े बहुत चेंज कर देती हूँ। इस बार मैंने बेसिक ही रखा क्योंकि दिल चाह रहा था इस वजह से, और ये फिलिंग्स बना के रख दी हैं। अब कुछ भी बनाना होगा ना मुझे तो मैं इसको यूज़ करूँगी, तो आप लोगों तक भी रेसिपीज़ वगैरह डेली व्लॉग के अंदर जो हम शेयर करेंगे तो इनको यूज़ करते हुए बनाएंगे। हाँ, और जो भी बनाएंगे इससे हम इससे जो हम इन्वेंट करेंगे या तो आपको क्रिएट करती रहेंगी। और इसके अलावा इसकी जो रेसिपी है वो आपको मेरे मेन चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो जी हमारे शामी कबाब रेडी हो गए, मतलब बन गए हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं, तो फ्रीज़र में जगह हमें, तो उसके लिए हमने ये शॉपर ले लिया है बड़े साइज़ का, इसको इसके ऊपर रख दिया है ताकि शामी कबाब जो हैं वो जमे नहीं, मतलब नहीं आपस में ना चुके। अच्छा, अब इसके ऊपर हम ये शामी कबाब रख के इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये जम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हमने डाल देना है एक शॉपर के अंदर, और अम्मी ऐसे ही डाल देती हैं शॉपर में, हमेशा इसी तरह से करती हैं तो बिल्कुल सही रहते हैं। जब बिल्कुल अच्छे से जम जाते हैं ना तो फिर वो ना चिपकते नहीं आपस में, और वो उसी तरह फ्रीज रहते हैं, और वो मतलब छोटी सी जगह में वो आ जाते हैं आराम से, ट्रे की ना झंझट नहीं होती, वो छोटी सी जगह में आराम से आ जाते हैं। इसको हम कोई बॉक्स वगैरह में नहीं रखते, इसको हम हमेशा से इसी तरह से रखते हैं, और ये इसी तरह से हमारे यहाँ नॉर्मल डेज में भी ऐसे ही रखे जाते हैं। अब ये ट्रे को हम रख देंगे, अब जब ट्रे जब खाली होगी, मतलब कल इसको हम खाली कर देंगे, एक शॉपर में डाल देंगे जब भी सेट हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पैरी वाइट्स का मसाला, और हमारे यहाँ हर साल रमज़ान में पैरी वाइट ज़रूर बनती हैं, कुछ बने या ना बने, क्योंकि हम लोग शौक से खाते हैं, सभी लोग खाते हैं शौक से। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने ले लिया है, उसकी फिलिंग बनाने जा रही हूँ। बेसिकली मैंने इधर ले लिया चिकन, और ये एक ब्रेस्ट पीस है, तकरीबन 250 ग्राम के बराबर का होगा ये, या फिर 300 ग्राम के, बड़ा साइज़ का था। तो उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है कुछ इस तरह से, और इसके लिए आपको थोड़ा बारीक बारीक करना श्रेड ना, क्योंकि हरी मिर्चों में ये फिल किया जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीज़, तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं हमेशा ये करती हूँ कि अगर 2 कप चिकन है तो 1 कप चीज़ ऐड कर देती हूँ। कुछ मेरे पास डीफ्रॉस्ट हुआ हुआ था और कुछ है फ्रोज़न। अच्छा, ये पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हैं अभिया? हाँ, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा है फिर, क्योंकि मैं हमेशा से ये दोनों चीज़ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। खारी मुझे चेडर नहीं अच्छा लगता, और खारी मोज़रेला भी नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से उसको मैं वो लेने लगी हूँ, क्या कहते हैं उसको, पिज़्ज़ा चीज़ ना। अब इसके अंदर पहले हम सीजनिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास अच्छा पैरी मेरे पास ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम पैरी बाइट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ये है नैंडोज़ का पैरी सॉस है, तो ये एक्स्ट्रा हॉट है मेरे पास, तो मैं यही यूज़ करूँगी इसके अंदर। इसके अलावा ये फ़र्क का मेरे पास है पैरी सीजनिंग, और जो लोग ये नहीं ऐड करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो वो लोग इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, आप हॉट सॉस ऐड कर दीजिएगा कोई भी अच्छे ब्रांड का, कोई से भी ब्रांड का आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिली सॉस नहीं ऐड कीजिएगा, वो जो सोया सॉस के साथ चिली सॉस नहीं मिलता है, सॉस ऐड करेगा, चिली सॉस थोड़ा मीठा होता है, वो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता बिल्कुल भी। तो बस इसके अंदर मैं ये ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि बाकी वो भी जाएगा, तो उस हिसाब से रखना है। और इसके अंदर ये जा रहा है सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून, डेढ़ चला गया, आधा और, सही है, ये 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर, ये ऐड हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, मैं नमक थोड़ा कम ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो ज़रा कम नमक खाना पसंद करते हैं, तो उनकी वजह से हम लोग नमक कम ही ऐड करते हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कभी दस्तरखान पे हमारे ना वो रखा होता है नमक जो होता है ना, वो रखा हुआ ही होता है, नमकदानी जो कहते हैं। इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें मैंने ऐड की है ना, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी होंगी। और अभी इसमें चिली गार्लिक सॉस भी जाएगा, मैं केचप नहीं ऐड करती हूँ, उससे थोड़ी सी मिठास आ जाती है, अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद। हाँ, जब चिली बाइट्स हैं तो उसमें मीठा टेस्ट नहीं आना चाहिए ना, ज़रा मज़ेदार सा स्पाइसी सा टेस्ट आना चाहिए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर।
और ये सारे जो सॉसेस इसमें जा रहे हैं ना, सिर्फ इनको कंबाइन करने के लिए, ताकि अच्छा सा ना मिक्सचर बन के तैयार होगा। तो फिर ये उसमें हम जब हरी मिर्चों में ऐड करेंगे ना, जब उसके अंदर भरेंगे मतलब ना, तो आसानी से भर जाएगा। हाँ, इतना होना चाहिए कि वो आसानी से उसके अंदर फिल हो जाए, पतला नहीं होना चाहिए, अच्छा थिक होना चाहिए। अब इसके अंदर जा रहा है मेयोनीज आधा कप के बराबर, ठीक है। और ज़रूरत होगी तो मैं और ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अभी सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हाँ, उसके बाद हम बनाएंगे पेरी बाइट्स, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार, हसीन, गुलाबो, सारे अल्फाज उसी तारीफ़ है उसी के लिए। हम सबको बहुत पसंद है, बहुत बनती बहुत मज़े की हैं। और क्या कहते हैं, घर वाली आप बनाएंगे ना तो आपको घर की ही अच्छी लगेंगी, बाहर की नहीं अच्छी लगेंगी। और मैंने बहुत सारी जगह की ट्राई की है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी है, काफ़ी महंगी। अच्छा, ट्राई ज़रूर करते हैं हम, जाहिर सी बात है हमें अच्छा लगता है ट्राई करना, लेकिन ना पसंद नहीं आई अभी तक, अभी तक नहीं पसंद आई। और ये ना आप किसी लोकल उधर जाएंगे ना, किसी लोकल कह रहे हैं किसी मिठाई वाले की शॉप पे या जहाँ पे ये स्नैक्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से लेंगे ना, तो कम से कम 50 रुपीज़ से स्टार्ट है इसके प्राइस ना, एक पेरी बाइट के ना। तो सोचें घर में हम ना इतनी सारी पेरी बाइट्स बना लेते हैं, पूरे मंथ के लिए बनती है। अच्छा, हमारे यहाँ निकलती है ना तो ये एक ही निकलती है, ज़्यादा नहीं निकलती। कभी कभार होता है कोई दो दो खाना पसंद करे, पूछ मतलब लेते हैं हम लोग, पूछ लेते हैं कि आप लोग खाएँगे या नहीं खाएँगे। जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना इफ्तार के टाइम की ना, तो उस टाइम हम पूछ लेते हैं, जिसको जितनी खानी होती है हम उस हिसाब से फ्राई कर देते हैं, एक्स्ट्रा फ्राई नहीं करते। और इस मिक्सचर के अंदर मैं आपको बताऊं, पेरी बाइट्स जो है ना मीडियम साइज़ की, क्योंकि हम लोग मीडियम साइज़ की बनाते हैं, मीडियम साइज़ की जो ये साइज़ होता है ना, लेकिन वो बनने के बाद भी ये साइज़ हो जाता है, सही है। मीडियम साइज़ की जो हरी मिर्ची होती है ना 3 इंच के बराबर की, वो हम बनाएंगे तो ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हरी मिर्ची इसके अंदर बन के तैयार हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आई थिंक 1.5 पाव के करीब हरी मिर्ची, वो तो जर्मन वाली हरी मिर्ची होती है ना, नहीं वो वाली बड़ी नहीं, इतनी बड़ी भी आती है ना, जिसके अंदर स्पाइस लेवल 0 होता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं ना उसमें थोड़ी सी वो थोड़ी स्पाइसी होती है, हम लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मिक्सचर जो है रेडी हो गया है, और इस मिक्सचर को अब हम हरी मिर्चों में भरेंगे और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर बन रही हैं पेरी बाइट्स। तो पेरी बाइट्स के लिए हरी मिर्ची मैंने अम्मी से खाली करवा ली थी, ये मैंने नहीं करी थी। और अम्मी ने बड़ी वाली एक साइड पे रखी हैं, छोटी वाली दूसरी साइड पे रखी हैं, कि पहले बड़ी वाली बना लेना, उसके बाद देखना मिक्सचर बचता है तो फिर छोटे वाले में भी फिल कर देना। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर मिर्चें थोड़ी सी बची थी, वो बहुत छोटी थी, अम्मी ने वो ऐड नहीं करी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैदा, और ये हमने बना दी है स्लरी एक तरह की। वैसे तो आप अंडे में भी डिप कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए, लेकिन इस बार जोया ने कहा पिया ये ले लो, ये ज़्यादा बेटर है, अंडे में ना स्टिक होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी हमें जल्दी जल्दी काम करना था। स्लरी जो है ना हमने बनाई है मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करके, दोनों को हम वज़न ले लिया था, और इसके बाद पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। अच्छा पतला सा है, ये बहुत थिक नहीं रखना, मतलब इतना पतला रखिएगा जितना हम अंडा फेंटने के बाद वो जितना थिक होता है ना, उतना ही थिक रखिएगा, सही है। और ये ब्रेड क्रम्स से होममेड वाले, और इससे हम बनाएंगे ये पहले, हाँ पेरी बाइट्स बनाएंगे। अच्छा, पहले जो ड्राई वाला मैदा है ना उसमें ज़रा सा कोट ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जो इसमें मिक्सचर ऐड किया हुआ है ना, वो जब तक सील नहीं होगा ना तो फिर वरना वो मिक्स होने लगेगा। नहीं नहीं, ये वजह नहीं होती, इसकी वजह ये होती है कि हरी मिर्ची थोड़ी सी ना चिकनी होती हैं, आप डायरेक्टली लिक्विड में डालेंगे तो सारा लिक्विड उसमें से स्लिप हो जाएगा। हाँ, तो ये भी उसको होल्ड करे, इस वजह से हम पहले मैदा लगाते हैं, उसके बाद हम लिक्विड में डिप करते हैं, देन उसके बाद हम इसके ऊपर लगाते हैं ब्रेड क्रम्स, और हम लगाते हैं डबल कोटिंग करते हैं, क्योंकि हमें भाई पूरे मंथ के लिए इसको फ्रीज करना है, तो इस वजह से आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है। सिंगल मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें से चीज़ वगैरह फ्राई होते हुए बाहर आ जाता है, समटाइम इसमें से भी आ जाता है, लेकिन ये कि बेहतर ये है आप इसकी डबल कोटिंग करें। वैसे मैं जो भी चीज़ें स्टोर करने के लिए बनाती हूँ ना, तो उसकी मैं डबल कोटिंग करती ही ज़रूर हूँ, ताकि वो अच्छे से ना सिक्योर हो जाती है आपकी जो चीज़ होती है ना। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यार हम पूरा महीना ज़रा सुकून से गुजर जाएगा। वैसे और चीज़ें भी बनती हैं पूरे महीने में, लेकिन ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो फ्राइंग की होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना, तो वो एटलीस्ट आप बना के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। बस इधर मैं इसको फिल कर रही थी हरी मिर्चों को, और जोया इधर जली जली से कोटिंग कर रही थी, और बस हम लोगों ने सारी हरी मिर्चों को कोट कर दिया था और फिर सेट करके रख दिया था ट्रे में करके। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी पेरी बाइट्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, और अभी ये ना सॉफ्ट हैं, तो इसको हम ना ट्रे में इस तरह से सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे
जब ये हार्ड हो जाएगी ना तब हम क्या करेंगे इस तरह के इसको कंटेनर में रखेंगे बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स, एयर टाइट बॉक्स में रख के उसके बाद इसको दोबारा से हम इसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे। और जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है जब ही रखिएगा, और आप लोग भी ऐसे ही अप्लाई कीजिएगा कि जब तक ये हार्ड नहीं हो जाती, तकरीबन 24 आवर्स लगते हैं इसको फ्रीज होने में, क्योंकि अच्छी सी ये हार्ड होनी चाहिए। देन आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में इसी तरह सीक्वेंस से रख देना है और उसको बंद करके रख देंगे तो आराम से एक महीना ये चल जाती हैं। हाँ, बहुत आराम से चल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसका मिक्सचर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बच गया है क्योंकि ना अगर ये बड़े साइज़ की होती है ना, मतलब जैसे कि ये साइज़ है, इस साइज की हरी मिर्ची होती ना तो ये पूरा सही रहता। हाँ, ये हाफ के जी थी, इसमें छोटी छोटी भी थी ना, छोटी छोटी भी थी, इनको भी हमने फिल कर दिया। अब क्या है कि इसके लिए मुझे तकरीबन एक पाव हरी मिर्ची और चाहिए तो ये इसके अंदर आ जाएगा मिक्सचर, तो ये मैं बाद में बना लूंगी। फिलहाल आप लोगों के साथ ये शेयर करना था ताकि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। हाँ, और तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और इसको फ्रीज करने के बाद की जो कंडीशन है वो आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, हो सकेगा तो हम शेयर कर देंगे, अपकमिंग व्लॉग में आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि ये आज ही हमें शेयर करना था तो इसलिए ये हम क्लिप ऐड कर रहे हैं, वरना फिर वो फ्रीज करने के बाद की ना फिर बहुत लेट हो जाता, बहुत लेट हो जाता, क्योंकि हमें व्लॉग अपना सेकेंड पार्ट आज ही अपलोड करना है, इसलिए हमने कहा अभी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब इसको हम रख देंगे फ्रीजर में, देन उसके बाद में फिर आपके साथ शेयर, आपके साथ शेयर कर देंगे। और अगर देखना चाहते हैं कि इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं बॉक्स के अंदर, तो आप पिछले साल का ब्लॉग देख सकते हैं, आप रमज़ान प्रिपरेशन बाय हमारे ब्लॉग्स निकाल सकते हैं, 2021 का जो ब्लॉग है वो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर पेरीबाइट्स वगैरह सब कुछ फ्रीज करने का तरीका हमने बताया था, तो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको पूरा उसका तरीक़ेकार मिल जाएगा। वैसे हमेशा हम इसी तरह से बना के पहले फ्रीज करते हैं देन इसको बॉक्स में रख देते हैं, बहुत अच्छी रहती हैं और पूरे महीने इस तरह से चलती हैं कि हम सारे ना कभी मतलब एक एक खारे होते हैं, दो दो बहुत ही कम होता है, और रोज़ रोज़ नहीं निकलती, कभी कभार निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं तो स्विच कर करके खाते हैं, रोज़ हाँ, एक ही चीज़ नहीं खाते, रोज़ सारी चीज़ें नहीं खाते हम लोग, स्विच कर करके ही खाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी बोर हो जाएंगे। हाँ, बोर हो जाएंगे हम, क्या हमारे घर वाले ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो फिर हमें उनका भी ख्याल रखना होता है, उनकी जो जो उन्हीं की वजह से ही बनाते हैं हम तो यार सालन रोटी भी खा लेंगे अफ्तार के अंदर, नहीं चाहिए हमें सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन ये कि खैर सबकी चॉइस के हिसाब से सारी चीज़ें बना लेते हैं, जिसको जो पसंद, सब मेम्बर्स का ख्याल रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। और खैर बस यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो, आप लोगों ने बताना है हमारी रमज़ान प्रिपरेशन की सीरीज़ आपको कैसी लगी, रमज़ान प्रिपरेशन आपको हमारी कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कितनी हेल्प मिली आप लोगों ने हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए क्या क्या बनाया अब तक, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड, आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।